चलिए वेलकम बैक। हम लोग फिर से अपनी बात स्टार्ट करते हैं। हमारी बात वहीं स्टार्ट करते हैं जहां से हम लोगों ने बात को अपने समाप्त किया था कि हम जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स का जो 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 प्रावधान है, जो सोशल ऑर्डर का कॉन्सेप्ट है, वो कहां से प्राप्त होता है। लेट्स स्टार्ट द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स इन द डिटेल। अभी हम लोगों ने जो बात की थी उन बातों में हम लोगों ने ज़्यादा बात किया था कि क्या क्या डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के साथ है। नाउ लेट्स सी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स की डिटेलिंग किस तरह से हम लोग करने की कोशिश करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट द इशू ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स इन द डिटेल। पहला ही प्रावधान क्या है? द फर्स्ट इशू with the directive principles is with respect to the social order. अगर आप article 38 देखें, just open the article 38 for a moment, आपको काफी interesting चीज देखने को मिलेगी कि article 38 में जो social order है वह क्या बात करता है। हम अगर directive principles को बहुत ही संजीदगी से देखने की कोशिश करें तो जो starting है वो article 38 से हो रही है, जो एक social order की बात करता है। 38 क्या बात करता है? social order की बात करता है। हाउ इज द सोशल ऑर्डर? सोशल ऑर्डर है क्या? अगर हम आर्टिकल 38 होगी, जो हमारा 38 है क्या बोलता है? प्रमोट वेलफेयर। प्रमोट सोशल वेलफेयर। ये क्या है? ये बात करता है प्रमोट सोशल वेलफेयर। जस्ट इफ यू योर बेयर एट द सिंपल लैंग्वेज ऑफ आर्टिकल 38(1), इसमें क्या बात है? सोशल ऑर्डर, वेलफेयर ऑफ द पीपल। अगर आप उसको तोड़ के देखें, सोशल ऑर्डर और वेलफेयर ऑफ द पीपल, मिल गया। अब जो आर्टिकल 38(1) है, इसको मैं थोड़ा से और आसान भाषा में बताता हूं, देशी गवाई भाषा में बताता हूं कि जो आर्टिकल 38(1) है, यह सोशल ऑर्डर क्या है? बेस्ड ऑन जस्टिस, न्याय के आधार पर सामाजिक क्रम। जहां समझ में आए तुरंत रोकना मेरे को, क्लास में याद हो के घर जाओ ताकि फिर समय न लगे इस पे। सोशल ऑर्डर बेस्ड ऑन जस्टिस, उसका मतलब क्या हुआ? टू प्रमोट वेलफेयर ऑफ द पीपल। क्या कर रहा है? प्रमोट कर रहा है, प्रोत्साहित कर रहा है, आगे बढ़ा रहा है। प्रमोट वेलफेयर ऑफ द पीपल। आर्टिकल 38 को हमको जरूरत है। देखिए, आप फंडामेंटल राइट डायरेक्टिव प्रिंसिपल को साथ पढ़ने की जरूरत है, रेड विथ तब मजा आएगा। अगर आप साथ पढ़ेंगे तो उत्तर पानी की तरह भागेगा, एग्जामिनर मन करेगा कितना नंबर इसको मैं दे दूं। तो आर्टिकल 38 को आवश्यकता है आर्टिकल 14 के साथ पढ़ने के लिए। यही मत रुकिए, और कदम बढ़ाइए, प्रीएम्बल तक पहुंचिए। तो एक पहली चीज मैं क्या बोल रहा हूं, आप अनुच्छेद 38 पर कोई भी सवाल लिखते समय, एनी क्वेश्चन वाइल आंसरिंग ऑन आर्टिकल 38, यू नीड टू यूज आर्टिकल 14 एंड प्रीएम्बल बोथ टुगेदर। अगर आप दोनों साथ साथ इस्तेमाल नहीं कर पाते हो तो फिर आप मजा नहीं दे रहे हो। तो आर्टिकल 38 को आर्टिकल 14 और प्रीएम्बल के साथ पढ़ने की कोशिश करें। इसका मतलब क्या हुआ? हम इससे कहना क्या चाह रहे हैं? फंक्शन ऑफ द रिपब्लिक। इससे हम कहना क्या चाह रहे हैं? फंक्शन ऑफ द रिपब्लिक। एक एक चीज को ध्यान से पढ़िएगा। मेरे लिए क्लास को तैयार करने से ज्यादा कठिन होता है क्लास को स्ट्रक्चर करना, कि कैसे मैं क्लास स्ट्रक्चर करूं, आप लोग समझ जाइए। अब देखिए, फंक्शन ऑफ द रिपब्लिक, आर्टिकल 38,
आर्टिकल 14 प्रीएम्बल, तीनों को हम साथ पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो उससे क्या होता है? उससे होता है फंक्शन ऑफ द रिपब्लिक। अब फंक्शन ऑफ रिपब्लिक क्या है? सोशियो इकोनॉमिक पॉलिटिकल जस्टिस। आप अगर ये चार्ट भी बना देंगे एग्जाम में, एग्जामिनर समझ जाए, इस लड़के को बहुत समझ है। रिपीट करूं मैं, अनुच्छेद 38(1) मैं हिंदी का देता हूं, इंग्लिश तो हो चुका है। इस बात को राज्य को निर्देशित करता है कि वह इस बात का प्रयास करे कि व्यक्तियों का कल्याण का कार्य प्रोत्साहित हो। इसलिए अनुच्छेद 38 को पढ़ते समय आवश्यकता है कि अनुच्छेद 14 को भी पढ़ा जाए, और जो अनुच्छेद 38 का जो नीति निदेशक तत्व है वह इस बात को संदर्भित करता है और इस बात को व्याख्यायित करता है जो संविधान के प्रस्तावना में लिखा गया है। संविधान की प्रस्तावना का जो सबसे महत्वपूर्ण एक अंग है वह हमारे गणतंत्र के लिए सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय को प्राप्त करना है। क्लियर हो गया? हिंदी वालों को शिकायत तो नहीं है? हिंदी वाले कई बार शिकायत करते, साहब अंग्रेजी ज्यादा बोल देते हो। अंग्रेजी वाले शिकायत करते, साहब हिंदी ज्यादा बोल देते हो। वैसे मैं विशुद्ध हिंदी माध्यम का छात्र हूं, मैं बता रहा हूं आपको, मैंने अपनी सिविल सर्विसेज की परीक्षा हिंदी में लिखी है। मैं इसको पहले बता चुका हूं, मैं जब तैयारी करता था मुझे अंग्रेजी पढ़नी नहीं आती थी, मैंने अंग्रेजी में कोई किताब नहीं पढ़ी थी। जब मैं सिविल सर्विस से तैयारी कर रहा था मैंने अंग्रेजी में कोई किताब नहीं पढ़ी थी, मैंने अंग्रेजी में कोई न्यूज़पेपर नहीं पढ़ा था। इसलिए हिंदी माध्यम के छात्र, और मैं दो बार सेलेक्ट हुआ, हिंदी माध्यम के छात्रों को किसी भी तरह से हीन भावना के शिकार होने की आवश्यकता नहीं है। मेरा लक्ष्य है हिंदी माध्यम का छात्र सिविल सर्विसेज में टॉप करे। वो कब करेगा यह दूर की बात है, लेकिन मैं इसी काम को लेकर इस वेंचर को चला रहा हूं। मेरी पूरी चाहत है, मेरी पूरी कोशिश है, मेरी पूरी आकांक्षा है, मेरा पैशन है, मेरा जुनून है कि हिंदी माध्यम का छात्र सिविल सेवा परीक्षा को टॉप करे। और जो समाचार होता है यह बोले कि हिंदी माध्यम के छात्र ने सिविल सेवा परीक्षा को टॉप किया है, या आज नहीं तो कल होना चाहिए। आगे चलें, चलिए। तो हमारा क्या हो गया कि हम अगर अनुच्छेद 38 को एक लाइन में कहना चाहें तो ये कह रहा है, यह सोशियो इकोनॉमिक जस्टिस बात करता है। आर्टिकल 38 इनवाइसेस नॉट ओनली द लीगल जस्टिस बट सोशियो इकोनॉमिक जस्टिस एज वेल। Not only legal justice, but socio-economic justice as well. इसका मतलब क्या हो गया कि वह सिर्फ एक न्याय न प्रदान करे, एक कानूनी न्याय न प्रदान करे, वह सामाजिक आर्थिक न्याय को भी प्रदान करे। इस बात को अगर हम समझने की कोशिश करें कि जो हमारा यह जस्टिस है वह किस प्रिंसिपल्स को लेकर चल रहा है, यह प्रिंसिपल क्या है? ग्रोथ है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी ऑफ एवरी सिटीजन। अब इसका मतलब क्या हुआ? जो आप ये बड़ी बड़ी शब्द लिख रहे हैं उसका मतलब क्या हुआ? ग्रोथ, डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी, यह बहुत अच्छा शब्द है और बहुत बेहतरीन शब्द है। हम किसी को रोटी पानी देने तक सीमित नहीं है। जो अनुच्छेद 38 है वो भोजन की बात नहीं कर रहा है, वह बात कर रहा है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी। किसका? एवरी सिटीजन। फिर से देखिए इसको, अगेन सी,
अगेन सी फंक्शन ऑफ रिपब्लिक सोशियो इकोनॉमिक पॉलिटिकल जस्टिस नॉट ओनली लीगल जस्टिस बट सोशियो इकोनॉमिक जस्टिस एज वेल। इसका मतलब क्या है? ग्रोथ डेवलप पर्सनैलिटी किसका? एवरी सिटीजन, समाज के अंतिम व्यक्ति का विकास, समाज के अंतिम व्यक्ति का विकास, एवरी सिटीजन। सिर्फ भोजन पानी नहीं चाहिए, सिर्फ हमको इसलिए जिंदा नहीं रहना है कि हमको भोजन करना है, हमको एग्जिस्टेंस। नो, आई वॉन्ट द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी, नॉट ओनली फिजिकल। बट ऑल रिस्पेक्ट, नॉट ओनली फिजिकल बट ऑल रिस्पेक्ट। हम एक व्यक्तित्व का विकास चाहते हैं। अनुच्छेद 38 का लक्ष्य यह नहीं है कि व्यक्ति के जीवन की प्राथमिक आवश्यकताएं पूरी हों, वह एक व्यक्तित्व के एक विकास की बात करती है। सोशल जस्टिस एक डायनेमिक कॉन्सेप्ट है। यह सोशल जस्टिस क्या है? यह एक डायनेमिक कॉन्सेप्ट है। यह क्या है? एक डायनेमिक कॉन्सेप्ट है। सोशल जस्टिस एक डायनेमिक कॉन्सेप्ट है। जो सोशल जस्टिस है यह एक डायनेमिक कॉन्सेप्ट है, कोई स्टैटिक कॉन्सेप्ट नहीं है। व्यक्ति वक्त और समय के हिसाब से बदलता है। आर्टिकल 31 यह कहता है। अब आइए आर्टिकल 32 क्या कहता है। अगर आप आर्टिकल 32 को संविधान में देखें तो आर्टिकल 32 वह संविधान संशोधन के द्वारा आया है। यह 44th अमेंडमेंट से आया है। आर्टिकल 32 या 44th अमेंडमेंट से आया है। यह आर्टिकल 32 क्या बोलता है, यह किस बात को स्ट्राइव करता है? मिनिमाइज द इनइक्वलिटीज इन इनकम। 38 को पढ़े, मिनिमाइज इन इक्वलिटी इनकम, यही कह रहा ना। अगर आप 38 को पढ़ें तो शॉर्ट फॉर्म क्या है, मिनिमाइज द इनइक्वलिटीज इन इनकम। जो आपके आय में असमानताएं हैं उनको दूर किया जाना चाहिए। इफ यू रीड आर्टिकल 32, ये चार लाइन का है लेकिन चार लाइन एक बात बोलती है कि राज इस बात का प्रयास करे कि जो इनकम में असमानताएं हैं वह दूर हो। अब आगे क्या बोलता है, एलिमिनेट किस में हो, इनइक्वलिटीज इन स्टेटस फैसिलिटीज एंड अपॉर्चुनिटीज। दूसरी बात क्या है, नॉट एमंग इंडिविजुअल्स बट ग्रुप ऑल्सो, नॉट एमंग इंडिविजुअल्स। 38 के पास अकेली ताकत है कि मेंस का सवाल बना दे, बट ऑल्सो इन ग्रुप, समूहों में भी हो तो एक ग्रुप में और दूसरे ग्रुप में अगर समानताएं हैं उसको भी दूर किया जाना चाहिए। अनुच्छेद 38(2) जो 44वें संविधान संशोधन से आया है वह इनकम में जो अंतर है उसको कम करने की बात कहता है और यह बोलता है कि इस तरह से राज्य प्रयास करे कि सिर्फ व्यक्तियों में ही नहीं जो समूहों में लोग हैं, जो कौन समूह है, रिजाइडिंग इन डिफरेंट एरियाज। अब ये कौन से ग्रुप हैं, रिजाइडिंग डिफरेंट एरियाज, रिसाइडिंग डिफरेंट एरियाज, डिफरेंट वोकेशन, जो समूह हैं जो अलग अलग क्षेत्रों में रह रहे हैं और अलग अलग वोकेशन में वो लोग अपने आप को एंगेज किए हुए हैं। अब सबसे बड़ी आवश्यकता है, आप 3 को 7 देखिए, 38(2)
19 1 D 21। नोट्स में इसको कॉर्नर में आप गोला बनाइए इसे। थर्ड जो 19 1 D है, 19 1 D किस बारे में बात करता है? इफ यू रीड द 19 1 D, आप मैंने आपको पढ़ाते समय कहा था कि 19 1 आपको मैं बहुत ज्यादा जिक्र करूंगा जब मैं आपका डायरेक्टिव प्रेशर स्टेट पॉलिसी पढ़ाऊंगा। ओपन द 19 1 D, किसको नहीं मिल रहा है 19 1 D? ओपन द 19 1 D, वह क्या बात बोलता है 19 1 D? मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, मिल गया। तो 19 1 D, 21 और 38 2, इन तीनों को अगर हम साथ देखने की कोशिश करें तो यह क्या बोलता है? एक्सेस टू रोड टू हिली एरिया, अब देखिए किसी अगर आपके पास हिली एरिया का सड़क नहीं है तो आय में जो असमानताएं हैं कैसे दूर होंगी? अब देखिए समूह पहाड़ आय असमानता सड़क चारों एक साथ देखिए आप। समूह पहाड़ आय असमानता सड़क चारों देखिए और इसको पढ़िए आप, जस्ट कंपेयर इट। अप्लाई माइंड फॉर ए मिनट, अप्लाई माइंड फॉर ए मिनट। आ समूह, कौन से समूह? पहाड़ों पर कौन रहते हैं? मेजॉरिटी शेड्यूल ट्राइब रहते हैं, तो आप इससे शेड्यूल ट्राइब भी आप निकाल सकते हैं, हालांकि जरूरत नहीं है, लेकिन आपको मैं एक क्लू और दे रहा हूं, हाउ यू इंटरप्रिट मी मोर। पहाड़, अब अगर आपके पास सड़क नहीं है तो आय की असमानता होना वाजिब है। क्यों वाजिब है? आपके पास जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उन नेचुरल रिसोर्सेज को आप मार्केट में कैसे ले जाओगे? तो जो आपके पास अप्रोच करेगा वह आपको औना पौना दाम देगा। तो जैसे ही आपको सड़क प्राप्त होगी आय की असमानता दूर होगी, इसलिए सड़क प्राप्त करना व्यक्ति का मौलिक अधिकार है। अब आप इसको लाइए कि 38 2 जो है कैसे 21 की तरफ बढ़ रहा है। क्लियर हो रहा नहीं हो रहा? क्लियर? जरा सोचिए दो मिनट, आप सोचिए आपको आंसर मिल जाएगा। जस्ट थिंक फॉर ए मोमेंट, यू विल गेट द आंसर। जो रोड है उनके इकोनॉमिक, अब सड़क से और आइए आगे, इकोनॉमिक स्टेटस या इकोनॉमिक कंडीशन कुछ भी कहिए, जो सड़क है उतने उनके इकोनॉमिक कंडीशन के लिए जिम्मेदार है। अगर सड़क नहीं होगी तो इकोनॉमिक कंडीशन बेहतर नहीं होगा। विदाउट रोड उनकी इकोनॉमिक कंडीशन इंप्रूव नहीं हो सकती है। अब जो आर्टिकल 19 1 D है वो क्या बोलता है? हर आदमी के पास राइट है टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द इंडिया। आर्टिकल 29 21 क्या बोलता है? हर आदमी के पास राइट टू लाइफ है, जो क्या बोलता है? नॉट ओनली फिजिकल लाइफ बट द इक्वलिटी ऑफ लाइफ, नॉट ओनली फिजिकल लाइफ बट इक्वलिटी ऑफ लाइफ। मजा आया नहीं आया बताइए? नॉट ओनली फिजिकल लाइफ बट इक्वलिटी ऑफ लाइफ। अब यह इक्वलिटी आर्टिकल 38 से कैसे प्राप्त होगी? हाउ इक्वलिटी वाया आर्टिकल 38, हाउ इक्वलिटी वाया आर्टिकल 38। देखिए
पॉलिटी अगर आप सिंपल सिंपल पढ़ते हो कि आर्टिकल 36 में क्या लिखा, 37 में क्या लिखा, 38 में क्या लिखा है, तो सिविल सर्विसेज के लिए उसका कोई मतलब नहीं है। उससे अच्छा आप मत पढ़ो, आप आराम से सो जाओ, शरीर को आराम दो, क्योंकि आप जो 36, 35, 37, 14, 322, 224 पढ़ोगे वो परीक्षा में आने वाला ही नहीं है। तो जो परीक्षा में नहीं आ रहा है उसको पढ़ने का फायदा क्या है? आप पढ़ो वह जो परीक्षा में आता है। परीक्षा में क्या आता है? एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। अगर आप एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन नहीं सीख पा रहे हो तो पढ़ाई करने का कोई माल, आप आराम सो जाओ, शरीर को आराम दो। आप शरीर को अगर कष्ट दो तो किसी फ्रूटफुल पर्पस के लिए कष्ट दो, नहीं तो कोई जरूरत नहीं है शरीर को कष्ट देने की। चले आगे, चलिए। तो आर्टिकल 30, हाउ इक्वालिटी वाया आर्टिकल 38। चूंकि इक्वालिटी बिफोर लॉ, एक जो हमने आर्टिकल 14 में पढ़ा है, इक्वालिटी बिफोर लॉ, वह क्या है? एक डायनेमिक कॉन्सेप्ट है, वह एक डायनेमिक कॉन्सेप्ट है। इक्वलिटी बिफोर लॉ जो आर्टिकल 38 में है, सॉरी आर्टिकल 14 में है, वह एक डायनेमिक कॉन्सेप्ट है। जब सोसाइटी का परिवर्तन होगा, हमको एक इक्वल सोसाइटी चाहिए। ए मोर इक्वल सोसाइटी क्या चाहती है? ए मोर इक्वल सोसाइटी जो हमारे प्रीएम्बल की संकल्पना है, जो हमारे संविधान के पार्ट 4 की संकल्पना है, जो इक्वलिटी बिफोर लॉ है, यह तब तक प्राप्त नहीं होगा जब एक इक्वल सोसाइटी नहीं प्राप्त होगी। एक जो सोसाइटी हम जो कंटेम्पलेट कर रहे हैं आर्टिकल 38 में, वह तभी प्राप्त होगी जब इक्वल सोसाइटी होगी। वी आर वर्किंग फॉर इक्वल सोसाइटी। जो आर्टिकल 38 में जो एक संकल्पना की गई है, जो एक सोशल ऑर्डर की बात की गई है, जो वेलफेयर पीपल की बात की गई है, जो आर्टिकल 38(2) बात करता है, हम इनइक्वालिटीज को खत्म करें, वह कब हो सकता है? जब जो प्रीएम्बल की संकल्पना है जिसमें एक इक्वल सोसाइटी की बात की गई है, जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स पार्ट 4 की बात की है, दिस इक्वालिटी बिफोर लॉ कैन बी प्रिडिक्टेड मीनिंगफुली ओनली इन एन इक्वल सोसाइटी, मीनिंग देयर बाई ए सोसाइटी कंप्लेंट कंटेम्पलेटेड बाई आर्टिकल 38 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब इसको हम अकेले नहीं पढ़ सकते हैं। हम कैसे देख रहे हैं कि हमारे बहुत से आर्टिकल जो कन्वर्ट हो रहे हैं फंडामेंटल राइट तरफ, आर्टिकल 21 गिव यू वन मिनट टाइम, इट्स बिहेविंग फनी बिट। जस्ट गिव वन मिनट, जस्ट वन मिनट टाइम। जो हमारे संविधान के 4-5 आर्टिकल हैं, अगर हम देखें 21, 38, 42, 43, 46 एंड 48A, अगर इसको हम साथ पढ़ने की कोशिश करें, इफ वी आर गोइंग टू रीड ए फ्यू आर्टिकल्स टुगेदर फॉर द पर्पस टू इंटरप्रेट आर्टिकल 38, अगर हम यह देखने की कोशिश करते हैं, लेट सी हाउ इट इज अपीयरिंग इन फ्रंट ऑफ अस। सॉरी यार, थोड़ा सा ये बोर्ड कभी कभी फनी बिहेव कर देता है। हाँ, अगर हम आर्टिकल 21, 38, 42, 21, 21, 21, 38, 42, 21, 38, 42, 43, 46,
48a. आर्टिकल 21, 38, 42, 43, 46, 48 इसको हम अगर एक साथ पढ़ें तो कंक्लूजन क्या रहा है? अब आप लोग बेयर एक्ट देखते जाइए, तुरंत क्लियर हो जाएगा और बहुत अच्छा आंसर तैयार होगा. राइट टू हेल्थ, अगर सब साथ देखें, राइट टू हेल्थ, मेडिकल एड, राइट टू हेल्थ हो गया, मेडिकल एड हो गया. राइट टू हेल्थ है, मेडिकल एड है, वर्कर का हेल्थ है, वर्कर्स हेल्थ. राइट टू हेल्थ है, मेडिकल एड है, वर्कर्स की हेल्थ है, रिटायरमेंट बेनिफिट है, राइट टू हेल्थ है, मेडिकल एड है, वर्कर हेल्थ है, रिटायरमेंट बेनिफिट है, ये क्या हो गए हैं? डिग्निटी ऑफ पीपल है, ये सब फंडामेंटल राइट हो गए हैं. फिर रिपीट करता हूं मैं, आर्टिकल 21, 38, 42, 43, 46, 48A इसको अगर हम एक साथ पढ़ते हैं तो यह कंक्लूजन ड्राइव होता है. मेरा कंक्लूजन नहीं है, सुप्रीम कोर्ट का है. मैं बार बार रिपीट करता हूं, मैं सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से सब निकालता हूं आपका लेक्चर, क्योंकि किताबों में इस तरह का डिटेलिंग नहीं मिलेगा आसानी से. अगर इसको हम एक साथ पढ़ते हैं तो कंक्लूजन क्या आता है? राइट टू हेल्थ जो है, मेडिकल एड है, हेल्थ का प्रोटेक्शन है, वर्कर्स का सर्विस है, रिटायरमेंट का जो बेनिफिट है, फंडामेंटल राइट बन चुके हैं. क्यों बन चुके हैं? यह डिग्निटी ऑफ पर्सन को ध्यान में रखकर. तो अगर हम इस बात को देखने की कोशिश करें कि जो सोशल जस्टिस का कॉन्सेप्ट आर्टिकल 38 प्रीएम्बल में है, या सोशल जस्टिस क्या है, आर्क ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बन चुका है, तो 38 का ये सवाल हो गया आपके आपका 38 का सोशल जस्टिस. आर्क ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हो गया है. इस सवाल का आंसर आप कैसे दोगे, वही मैं समझा रहा हूं आपको. आप इस सवाल को आंसर देते समय 38 तक सीमित नहीं रहेंगे, आप इन सबको ट्रेवल करेंगे. क्योंकि 38 क्या कर रहा है? 38 एक सामान्य कॉन्सेप्ट दे रहा है. उसके बाद के जो और आर्टिकल हैं वो 38 का सपोर्ट कर रहे हैं. अब देखिए, 38 को सपोर्ट कहां से प्राप्त हो रहा है? प्रीएम्बल से प्राप्त हो रहा है, आर्टिकल 14 से प्राप्त हो रहा है, आर्टिकल 21 से प्राप्त हो रहा है, और जो हमारे नीति निर्देशक तत्व के 42, 43, 46 और 48A से प्राप्त हो रहा है. अगर सवाल ये होता है कि अनुच्छेद 38 जो है वह आर्क ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, हाउ यू आंसर दिस क्वेश्चन? अगर सवाल यह आता है कि आर्टिकल 38 इज एन आर्क ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कैसे आप आंसर करोगे? फॉर आंसरिंग दिस यू नीड टू ट्रेवल दीज प्रोविजंस, अदरवाइज आपका सवाल क्या होगा? इनकम्प्लीट होगा. और जो आप जो यूपीएससी का मॉडल आंसर होगा उसमें यह निश्चित रूप से होगा और आप मिस कर जाओगे. तो जो यह है सोशल जस्टिस आर्क ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कैसे हो रहा है, अब जो सोशल जस्टिस है, इक्वालिटी है, डिग्निटी है, यह क्या है? कॉर्नर स्टोन ऑफ सोशल, कॉर्नर स्टोन है सोशल डेमोक्रेसी का. आर्टिकल 38 से सोशल डेमोक्रेसी भी अपीयर कर रही है. एक चीज आपको और मिल गई,
जितना सोचो उतना अच्छा आपको आंसर मिलेगा। जो हमारा जो डेमोक्रेसी है उस डेमोक्रेसी का कॉर्नर स्टोन क्या है, जो सोशल जस्टिस है, इक्वलिटी है, डिग्निटी है, सोशल जस्टिस इक्वलिटी डिग्निटी ये क्या है, एक कॉर्नर स्टोन है हमारे सोशल डेमोक्रेसी का। तो सोशल डेमोक्रेसी का जो कॉन्सेप्ट है वह आर्टिकल 38 से हम डिराइव करते हैं। तो आर्टिकल 38 जो पार्ट 4 कॉन्स्टिट्यूशन में है वह रिफर नहीं करता है, विच रिफर्स टू क्या कर, वह रिफर नहीं करता है सिर्फ जस्टिस सोशल इकोनॉमिक। तो अगर हम आर्टिकल 38 इन पार्ट 4 में देखें, इज नॉट ओनली आर्टिकल, इज नॉट द ओनली आर्टिकल विच रिफर्स टू द जस्टिस सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। आर्टिकल 14 भी गारंटी करता है पार्ट 3 में। तो आर्ट जो पार्ट 3 का आर्टिकल 14, पार्ट 4 का आर्टिकल 38, यह दोनों क्या करते हैं, दो के दोनों सोशल जस्टिस की बात करते हैं। यह गलत अवधारणा है कि आर्टिकल 14 से पॉलिटिकल जस्टिस की बात करता है। इस तरह जो आर्टिकल 13-14 है दोनों प्रोवाइड करते हैं सोशल जस्टिस एज वेल पॉलिटिकल जस्टिस। एनी कंफ्यूजन? और इसके साथ आप और जोड़े 16(4)A, 16(4)B। आपका ये कंप्लीशन में आ गया। आपका आर्टिकल 38 पे कोई भी सवाल बनाइए, यू मेक एनी क्वेश्चन ऑन आर्टिकल 38। आप कोई सवाल भाई आर्टिकल 38 पे, इट विल बी सॉल्व। आप लोग आज रात में बैठ के आप जो बनाए वो सवाल बनाइएगा और फिर बताइएगा वो सवाल सॉल्व हो रहा नहीं हो रहा है। आई एम ट्राइंग टू सी टुवर्ड्स द माइंड सेट ऑफ द यूपीएससी क्वेश्चन पेपर्स, कि जो यूपीएससी है क्वेश्चन पेपर कैसे बन सकता है। जितने सवाल बन सकते हैं मैं सब डाल देता हूं। ट्रेवल टू आर्टिकल 39। आर्टिकल 39 बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हम लोग आर्टिकल 39 पे आज का लेक्चर क्लोज करेंगे। आर्टिकल 39 बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कम ऑन द आर्टिकल 39। अब आर्टिकल 39 क्या है, यह स्टेट को डायरेक्ट करता है कि पॉलिसी बनाए, पॉलिसी सिक्योरिंग। हम थोड़ा सा इसको तोड़ के पढ़ा रहे हैं आपको आर्टिकल समझ में आ जाएगा कि आर्टिकल 39 क्या बोलता है। अगर आर्टिकल 39 हम समझने की कोशिश करें तो आर्टिकल 39 क्या रिक्वायरमेंट करता है कि स्टेट को डायरेक्शन है वह ऐसी पॉलिसी बनाए जो सिक्योर करे, क्या करे, एडिक्वेट मींस ऑफ लाइवलीहुड। एडिक्वेट मींस ऑफ लाइवलीहुड। जीवन जीने के लिए पर्याप्त साधन उपलब्ध हों। दूसरा, द फर्स्ट पार्ट पॉलिसी क्या बोलता है, सिक्योर करो। सेकेंड, एडिक्वेट मींस ऑफ लाइवलीहुड। सेकेंड, ओनरशिप एंड कंट्रोल ऑफ मटीरियल रिसोर्सेस। ओनरशिप एंड कंट्रोल ऑफ मटीरियल रिसोर्सेस।
ए क्या है, एडुकेट मींस ऑफ लाइवलीहुड, दूसरा ओनरशिप और ओनरशिप एंड कंट्रोल ऑफ द मटेरियल रिसोर्सेज फॉर व्हाट, फॉर कॉमन गुड, कि ऐसा आप उनका मटेरियल रिसोर्सेज का ऐसा ओनरशिप और कंट्रोल हो कि हर व्यक्ति के उचित हित के लिए इस्तेमाल किया जा सके. कंसंट्रेशन ऑफ द वेल्थ, अवॉइड कंसंट्रेशन ऑफ द वेल्थ, अवॉइड कंसंट्रेशन ऑफ द वेल्थ. मैं शॉर्ट फॉर्म को इजी कर रहा हूं ताकि आपको समझ में आसानी हो. एक्ट की जो भाषा थोड़ा कठिन है. तीसरी बात क्या है, जो हमारा इकोनॉमिक सिस्टम है उसका ऑपरेशन इस तरह किया जाए कि उसका परिणाम इस तरह न हो कि वेल्थ का कुछ हाथों में कंसंट्रेशन हो जाए, और मींस ऑफ प्रोडक्शन का ऐसा इस्तेमाल हो कि वह व्यक्तियों के लिए नुकसानदायक न हो. इसको हम फिर से रिपीट करते हैं, थोड़ा सा सी में टाइम चाहिए आपके लिए, कि हम ऐसे अपने इकोनॉमिक सिस्टम का ऑपरेशन करें कि वह इस परिणाम में ना, डज नॉट रिजल्ट इन द कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ, वह इस परिणाम में ना आ जाए कि जो वेल्थ है, जो हमारी संपदा है, उसका कुछ हाथों में संकेंद्रण हो जाए, और मींस ऑफ प्रोडक्शन टू द कॉमन डेट्रीमेंट, ऐसा हम कार्य न कर दें कि मींस ऑफ प्रोडक्शन का इस्तेमाल ऐसा हो जाए कि वह व्यक्तियों के अहित में हो जाए. ठीक है, इक्वल वर्क फॉर बोथ मेन एंड वुमेन. इक्वल वर्क फॉर बोथ मेन एंड वुमेन. अब यह क्या है, यह लिंग भेद को समाप्त करने की बोल रहा है कि आदमियों और औरत को समान कार्य मिलना चाहिए. हेल्थ एंड स्ट्रेंथ ऑफ द वर्कर, थोड़ा ई को हम लोग तोड़ते हैं दो तीन पार्ट में. ई, हेल्थ एंड स्ट्रेंथ ऑफ वर्कर. हेल्थ एंड स्ट्रेंथ ऑफ द वर्कर, मेन एंड वुमेन. हेल्थ एंड स्ट्रेंथ ऑफ वर्कर, हेल्थ एंड स्ट्रेंथ मेन एंड वुमेन. हेल्थ एंड स्ट्रेंथ ऑफ वर्कर, हेल्थ एंड स्ट्रेंथ ऑफ वेन मेन एंड वुमेन. टेंडर एज ऑफ चिल्ड्रेन आर नॉट अब्यूज्ड. टेंडर एज चिल्ड्रेन नॉट अब्यूज्ड. हेल्थ एंड स्ट्रेंथ ऑफ वर्कर, हेल्थ एंड स्ट्रेंथ ऑफ वन एंड वोमेन. टेंडर एज चिल्ड्रेन नॉट अब्यूज्ड. नॉट अब्यूज्ड और नॉट सिटीजन्स नॉट फोर्स्ड फॉर इकोनॉमिक नेसेसिटीज. सिटीजन्स नॉट फोर्स, जो हमारे लोग हैं, टेंडर एज ऑफ चिल्ड्रेन आर नॉट अब्यूज्ड एंड दैट सिटीजन्स आर नॉट फोर्स बाय इकोनॉमिक, आर नॉट फोर्स फॉर न्यू बाय होगा, नॉट फोर्स बाय इकोनॉमिक नेसेसिटीज. क्यों, टू एंटर ए वोकेशन अनसूटेड टू देयर एज और स्ट्रेंथ, कि ऐसा काम करें जो उनके उम्र
और दशा के अनुरूप न हो। हो गया। अभी हम थोड़ा से ई को एक बार फिर करते हैं कि राज्य ऐसा प्रयास करे, अपनी नीति इस तरह से बनाए कि जो हेल्थ एंड स्ट्रेंथ ऑफ वर्कर्स है, हेल्थ एंड स्ट्रेंथ ऑफ मेन एंड वुमेन है, उनके प्रति संजीदगी रहे, टेंडर एज चिल्ड्रेन को एब्यूज न किया जाए, उनसे टेंडर एज चिल्ड्रेन से ऐसा कार्य न कराया जाए जो करने के लिए वो सक्षम नहीं है, और हमारे नागरिकों को उनकी आर्थिक आवश्यकताओं के कारण इस तरह से फोर्स न किया जाए, ऐसे कामों में न डाला जाए जो उनकी उम्र और शक्ति के लिए अनसूटेड हो। क्लियर हो गया? क्लियर हुआ नहीं हुआ? क्लियर हुआ या नहीं हुआ? क्लियर हुआ या नहीं हुआ? जल्दी लिखो, फास्ट फास्ट फास्ट, जल्दी लिखो। चिल्ड्रेन अपॉर्चुनिटी हेल्दी मैनर, चिल्ड्रेन अपॉर्चुनिटी हेल्दी मैनर। नहीं क्लियर हुआ? किसको क्लियर नहीं हुआ? जो चिल्ड्रेन हैं उनको अपॉर्चुनिटी दिया जाए और फैसिलिटीज दिया जाए ताकि वह हेल्दी मैनर में डेवलपमेंट हो सके और उनको ऐसे कंडीशन में काम करने की स्वतंत्रता मिले और गरिमा मिले कि चाइल्डहुड और यूथ आर प्रोटेक्टेड। चाइल्डहुड यूथ प्रोटेक्टेड एक्सप्लॉयटेशन, शब्दों से ज्यादा समझाने लगता है। चाइल्डहुड यूथ प्रोटेक्ट हो, उनका एक्सप्लॉयटेशन न हो, अगेंस्ट मॉरल एंड मटीरियल, अगेंस्ट मॉरल एंड मटीरियल। जो चिल्ड्रन का अपॉर्चुनिटी हो, हेल्दी मैनर प्राप्त हो, उनका चाइल्डहुड और यूथ प्रोटेक्टेड हो, उनका किसी भी तरह से शोषण न हो और उनका मॉरल और मटेरियल अबैंडनमेंट न हो। देखिए मैं फिर करता हूं और आसान करते हैं कि चिल्ड्रेन आर गिवन अपॉर्चुनिटीज एंड फैसिलिटीज। चिल्ड्रेन गिवन अपॉर्चुनिटीज, एक आप और ऐड कर दो फैसिलिटीज, आपको याद करने में आसानी हो जाएगी। सुविधाएं होता है इन्हीं में फैसिलिटीज को। चिल्ड्रेन आर गिवन अपॉर्चुनिटीज एंड फैसिलिटीज टू डेवलप, आप और ऐड करो। देखो जब शब्द बाद में ऐड करते हैं तो ज्यादा समझ आता है, ठीक है ना। चिल्ड्रेन आर गिवन अपॉर्चुनिटीज एंड फैसिलिटीज टू डेवलप हेल्दी इन हेल्दी मैनर एंड कंडीशन ऑफ फ्रीडम डिग्निटी दैट चाइल्डहुड एंड यूथ आर प्रोटेक्टेड। चाइल्डहुड यूथ आर प्रोटेक्टेड अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, यहां अगेंस्ट कर दो। मैं सारे शब्द को जानबूझ के मैं बाद में लिखता हूं ताकि आपको एक साथ शब्दों का बम्बार्डेशन हो जाए। अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन एंड अगेंस्ट मॉरल एंड मटीरियल अबैंडनमेंट, ठीक है। बोलिए किसको क्लियर नहीं हुआ? इसको हटा देते हैं, चलो अब हिंदी वाला हटा देते हैं। बोलिए एकदम साफ साफ है, शीशे की तरफ साफ हो गया जैसे पानी होता है। बोले बोले जल्दी बोले।
जब कहोगे बंद कर देंगे। फिर रिपीट करते हैं, आर्टिकल 39 क्या बात करता है कि राज्य ऐसी पॉलिसी बनाए कि निम्न तत्व सिक्योर हो, राज्य ऐसी नीति बनाए कि निम्नलिखित तत्वों की प्राप्ति हो, ए एडिक्वेट मींस ऑफ लाइवलीहुड, जीवन को जीने के पर्याप्त साधन, ओनरशिप एंड कंट्रोल ऑफ मटेरियल रिसोर्सेस फॉर कॉमन गुड, समाज के अच्छाई के लिए मटेरियल रिसोर्सेस का कंट्रोल और ओनरशिप हो, हम वेल्थ के कंसंट्रेशन को अवॉइड करें और मींस ऑफ प्रोडक्शन का इस्तेमाल इस तरह हो कि व्यक्तियों के हित में हो, इक्वल वर्क हो मेन और वुमन दोनों के लिए, महिलाओं और पुरुषों दोनों के लिए इक्वल वर्क हो, हेल्थ और स्ट्रेंथ, जो वर्कर्स के हेल्थ और स्ट्रेंथ हो, आदमियों औरतों के हेल्थ और स्ट्रेंथ पर काम किया जाए, टेंडर एज चिल्ड्रेन को अब्यूज न किया जाए और सिटीजन को फोर्स न किया जाए कि अपनी इकोनॉमिक नेसेसिटीज कारण वो ऐसा काम करें जो उनके उम्र और दशा के अनुरूप न हो, बच्चों को अपॉर्चुनिटी और फैसिलिटीज दी जाए ताकि वो हेल्दी मैनर में डेवलप हों, और उनका चाइल्डहुड और यूथ प्रोटेक्टेड हो, उनको शोषण के खिलाफ और मॉरल और मटेरियल डिस अबेंडनमेंट से उनको सुरक्षा प्राप्त हो। मेरे ख्याल से हो गया, बस करें आज की, और चाहिए, टेल मी फास्ट मोर और क्लोज इट डाउन। देखिए फिर 50 मिनट हो गया, इतना फास्ट टाइम बीतता है पता नहीं चलता है। 7:35 पे क्लास हुआ था, 8:25 हो गया, तो कितना हो गया, 25 और 25 50 मिनट हो गया। टेल मी, जल्दी बोलो। देखिए एक बात मैं हर बार कहता हूं, बार बार कहता हूं कि अगर आप एक विश्लेषक की दृष्टि को विकसित नहीं कर पा रहे हैं तो इस परीक्षा को देने का कोई तात्पर्य नहीं है। इस परीक्षा को देने का एक ही मतलब है, अगर आप एक विश्लेषक की दृष्टि को विकसित कर लेते हैं, करते हैं, नहीं तो आपसे कोई फायदा नहीं होगा। दो शुक्ला आमने सामने आ गए, आकांक्षा शुक्ला बस करिए सर, अभिषेक शुक्ला और चलाइए सर। मेरे ख्याल से आज इनफ हो गया, आप इससे ज्यादा करेंगे तो नहीं होगा। देखिए क्या है कि आपका जो टेस्ट है, मॉक टेस्ट है, उसको लगता मुझे डालना पड़ेगा क्योंकि मेरा सिलेबस हो नहीं रहा है, और बगैर सिलेबस को पूरा किए मैं मॉक टेस्ट लेना ही चाहता हूं क्योंकि कोई मार्क्स नहीं मिलेगा। आर्टिकल 38 का जस्टिस आर्च ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ब्रीफ में समराइज करिए, कहां है आर्टिकल 38, क्या था आर्टिकल 38 में? आर्टिकल 38 का जो एक कॉन्सेप्ट है, इन फिर चाह रहे हैं आर्टिकल 38 में जो आर्च ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है उसको फिर से समराइज कर दिया जाए। लेट्स अगेन टर्न टूवर्ड्स 38 फॉर द फ्यू मोमेंट। 38 क्या है, जस्ट 38 कैसे ये आर्च ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हो रहा है, अगर हम 38 को समझने की कोशिश करें। जो आर्टिकल 38 है, आर्टिकल 38 बड़ा ही इंटरेस्टिंग बात क्या बोलता है, यह बोलता है रिड्यूस इन इक्वलिटीज। अगर हम आर्टिकल 38 के जो दूसरा पार्ट आता है 38(2) आता है, वह रिड्यूस इन इक्वलिटीज की बात करता है कि आप इन इक्वलिटीज को आप रिड्यूस करिए। जब आप आर्टिकल 38 के इन इक्वलिटी को रिड्यूस करने की बात करते हैं तो तब आपको पढ़ना पड़ता है और से आर्टिकल जो आर्टिकल 38 को सपोर्ट करते हैं। 28, 21 हो गया, 38 हो गया, 21 हुआ, 38 हुआ, उसके बाद आपके पास 42, 43, 46, इसको हम आगे जरूर करेंगे, 43, 46, 48। अब जब आप इन इक्वलिटीज को रिड्यूस करना चाहते हैं उसमें क्या हो गया, राइट टू हेल्थ,
राइट टू हेल्थ, मेडिकल, पेंशन, कई चीजें इसमें शामिल हो गई। जब कई चीजें शामिल हो गई तो उससे हम जब इसको हम प्रियम्बल से देखने की कोशिश करते हैं तो क्या हो गया, इसमें सोशल जस्टिस आ गया। अब इस सोशल जस्टिस को हम प्रियम्बल से देखते हैं। जो सोशल जस्टिस का कॉन्सेप्ट है यह प्रियम्बल में भी आपको हमने पढ़ाया हुआ है। तो जब हम सोशल जस्टिस को देखते हैं तो यह प्रियम्बल, तो थीम ऑफ सोशल जस्टिस क्या होती है, प्रियम्बल्स होती है। तो प्रियम्बल और आर्टिकल 38, प्रियम्बल प्लस आर्टिकल 38, प्रियम्बल और प्लस आर्टिकल 38 को जब हम एक साथ पढ़ते हैं तो सोशल जस्टिस का कॉन्सेप्ट बहुत ही विजिबल दिखता है। जब हम प्रियम्बल और 38 देखते हैं तो सोशल जस्टिस का कॉन्सेप्ट बहुत ही विजिबल देखता है। और जो सोशल जस्टिस है यह आर्च ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, और यह जो सोशल जस्टिस है यह आर्च ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है। यह बहुत बड़ी एक आधारशिला है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की। जो हमारा आर्च ऑफ सोशल जस्टिस का है यह क्या बोलता है, यह इंश्योर करता है ए मीनिंगफुल एंड लिवेबल लाइफ। यह बात करता है मीनिंगफुल लिवेबल लाइफ विथ डिग्निटी। यह एक ऐसे जीवन की बात करता है जो सार्थक हो, जीवन योग्य हो और इसमें डिग्निटी हो, ह्यूमन डिग्निटी। ह्यूमन डिग्निटी ज्यादा अच्छा शब्द है, विथ ह्यूमन डिग्निटी। यह एक ऐसे बात करता है कि वह मीनिंगफुल हो, लिवेबल हो और डिग्निटी हो, ह्यूमन डिग्निटी के साथ की बात करता है। तो सोशल जस्टिस, इक्वालिटी एंड डिग्निटी ऑफ द पर्सन, सोशल जस्टिस, इक्वालिटी एंड डिग्निटी, सोशल जस्टिस, डिग्निटी, इक्वालिटी, सोशल जस्टिस, डिग्निटी और इक्वालिटी। अगर हम इसको देखने की कोशिश करें, सोशल जस्टिस, इक्वलिटी एंड डिग्निटी, ये कॉर्नर स्टोन हो गए हैं सोशल डेमोक्रेसी के। ये कॉर्नर स्टोन हैं हमारे सोशल डेमोक्रेसी के, यह कॉर्नर स्टोन है। तो सोशल जस्टिस जो एक डायनेमिक कॉन्सेप्ट है वो क्या बोलता है, पुअर हैं, वीक हैं, दलित हैं, ट्राइबल्स हैं, डिप्राइव्ड सोसाइटी के हैं, उनके लिए इक्वालिटी ऑफ लाइफ चाहिए। जो हमारा डिप्राइव्ड क्लास है उसको इक्वलिटी भी चाहिए और डिग्निटी भी चाहिए, इक्वलिटी भी और डिग्निटी भी। आप बगैर, इसीलिए आर्टिकल 17 को क्यों समाप्त किया गया है, अनटचेबिलिटी, सॉरी आर्टिकल 17 क्यों लाया गया है अनटचेबिलिटी के लिए, हमको इक्वलिटी भी चाहिए और हमको डिग्निटी भी चाहिए। जो हमारा डिप्राइव्ड सेक्शन ऑफ सोसाइटी में है उसको हम एलिवेट करें, यह कैसे मिलेगा, वी नीड टू एलिवेट देम। ये कैसे प्राप्त होगा, वी नीड टू एलिवेट देम, उनका एलिवेशन जरूरी है। उनको हम जब तक ऊपर नहीं ले आएंगे तब तक यह प्राप्त नहीं होगा। तो हमारी एक जिम्मेदारी है जो लाइफ, जो समाज का पिछड़ा वर्ग है, जो डिप्राइव्ड सेक्शन है, उसको एलिवेट करें और उनको हम लेवल ऑफ इक्वलिटी दें। जो एम ऑफ सोशल जस्टिस है क्या है, अटेन सब्सटेंशियल डिग्री, अटेन
सब्सटेंशियल डिग्री, हम सब्सटेंशियल डिग्री को अब अटेन करें। किस बात की सब्सटेंशियल डिग्री? देखिए, वी नीड टू एलिवेट देम। हमारा जो सोशल जस्टिस का कॉन्सेप्ट क्या चाहता है, अटेन सब्सटेंशियल डिग्री, सोशल इकोनॉमिक पॉलिटिकल इक्वलिटी, सोशल पॉलिटिकल इकोनॉमिक इक्वलिटी। सोशल पॉलिटिकल इकोनॉमिक इक्वलिटी हो गया, क्लियर हो गया? आर्च ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इट्स क्लियर? किसका सवाल था ये? हु इज आस्क्ड, किसका सवाल था ये? नहीं क्लियर हो तो हम लोग और ट्राई करें। ओके ओके, चलो, वेरी गुड, वेरी गुड। देखिए, आपको पढ़ाते समय मैं दो चीजों का ध्यान रखता हूं। देखिए, प्रीलिम्स बहुत आसान है अगर आपने मेंस पढ़ दिया। यह बड़ी गलत संकल्पना समाज में फैलाई गई है कि प्रीलिम्स को अलग पढ़ो, मेंस को अलग पढ़ो, इंटरव्यू अलग पढ़ो। यह संकल्पना उन लोगों ने फैलाई है जो कोचिंग चलाते हैं, जिनको पैसा कमाना है। पैसा कमाने की लालच ने इस पूरे व्यवस्था की ऐसी की तैसी कर दी है। जिन लोगों को पैसा कमाना है, उन लोगों ने इस एग्जाम को तीन सेक्शन में बांट दिया है कि आप पहले प्रीलिम्स के लिए पैसा हमको दो, फिर आप मेंस के लिए पैसा हमको दो, फिर हमको इंटरव्यू के लिए दो पैसा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। इस परीक्षा को पढ़ाने की सिर्फ एक प्रक्रिया है, तीनों को एक साथ पढ़ो। आपका जो मेंस का रिजल्ट आता है, आपका इंटरव्यू होता है, उसके बीच गैप कितना होता है? अमूमन 1 से 1.5 महीने का गैप होता है। 1 से 1.5 महीने में आप बिल्कुल इंटरव्यू के लिए अपनी पर्सनैलिटी को शेप नहीं कर सकते हो। आपकी पर्सनालिटी को शेप करने के लिए एक सतत प्रक्रिया की आवश्यकता होती है। एक लंबे दौर में आप चीजों को समझते हो, लेकिन चूंकि बाजारवादी सिद्धांत इतना मजबूत है कि बाजार को इस तरह वो संचालित करता है कि वह तीनों परीक्षाओं को अलग अलग बांटकर पढ़ाने की कोशिश करता है, ताकि एक ही व्यक्ति पैसा 3 बार दे। कि पैसा एक बार समझ जाए अगर होता है, दूसरी बार दे, जबकि ऐसा होता नहीं है। अगर आप मेंस की तरह से तैयारी करो, आपका प्रीलिम्स भी आसान होता है, इंटरव्यू आसान होता है। अब आप आज इस लेक्चर को फिर से सुनने की कोशिश करिएगा, आप फिर से सुनने की कोशिश करिएगा, आपको प्रीलिम्स के मेंस के अनगिनत सवाल प्राप्त होंगे। तो आज के लिए मेरे ख्याल से इतना बहुत है। हम लोग कल आपका क्लास किसका है? कल आपका क्लास होगा मॉडर्न इंडिया का। तो टुमारो आई विल सी द मॉडर्न इंडिया। इस बार मैं सैटरडे संडे शायद रहूंगा नहीं। आपका जो क्लास है वेडनेसडे का, मैं मॉर्निंग के बजाय उसको इवनिंग में उसको मॉर्निंग कर रहा हूं, क्योंकि मुझको ट्रेवल करना है। इसलिए मैं वेडनेसडे की जो क्लास शाम की है, मैं सुबह 8:30 पे कर लूंगा। तो आपकी वेडनेसडे की क्लास आपकी मिस नहीं होगी, सैटरडे संडे की क्लास आपकी मिस होगी। आई विल कंपनसेट द क्लास सम अदर डे। टेक केयर, विल सी यू टुमारो अगेन ऑन द सेम टाइम।